गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज बीएससी थर्ड ईयर के अंतर्गत जो फर्स्ट पेपर है जिसका कि नाम रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, इसके अंतर्गत कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बताएंगे। जो हमने अभी तक बताया है उससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पेपर में पूछी जाती हैं, और इसी सीरीज में हमारा जो है बीएससी थर्ड ईयर का आज 19वां लेक्चर है। ठीक है, यहाँ पर जो है आज न्यूमेरिकल बताएंगे जो कि हमारे पिछले टॉपिक से संबंधित हैं। पिछले टॉपिक की बात करते हैं, इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में रिलेटिविटी ऑफ मास से संबंधित है। ठीक है, इसी में हमारा पहली प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम फर्स्ट। एक कण 0.6c चाल के साथ गति करता है। एक कण क्या है, 0.6c की चाल से गति कर रहा है, उसका विराम द्रव्यमान और गतिमान द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पर जो है रेस्ट मास और जो गतिमान मास है, यानी कि जो मास वेग के साथ परिवर्तित हो रहा है, उन दोनों के बीच में अनुपात ज्ञात करना है। और हमने ये भी बताया था कि रेस्ट मास जो होता है ये रिलेटिविटी के अंतर्गत प्राप्त होता है, मैकेनिक्स के अंतर्गत रेस्ट मास की कल्पना संभव नहीं है। रेस्ट मास अब देखिए जो सॉल्व करना है, तो रिलेटिविटी ऑफ मास का एक हमारा जो है रिलेशन था, क्या रिलेशन था, एम बराबर एम जीरो अपॉन अंडर रूट 1 - b² अपॉन c² की पावर 1/2। क्या था ये हमारा, क्या है, मास और रेस्ट मास के बीच में संबंध है। और जो मास है ये क्या है, ये जो है वेग पर निर्भर करता है, वेग के मान पर निर्भर करता है किसी भी कण का द्रव्यमान। इसकी सहायता से क्या करेंगे, रेस्ट मास और मास के बीच में अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम इसको रीअरेंज कर दें, रीअरेंज कैसे कर दें, एम जीरो, क्योंकि हमारा रिलेशन जो है वो विराम द्रव्यमान और गतिमान के बीच में है, विराम द्रव्यमान एम जीरो है, गतिमान द्रव्यमान हमारा एम है, यानी कि हमने यहाँ पर क्या किया, इसको रीअरेंज किया और लिख दिया एम जीरो अपॉन एम, क्या लिख दिया एम जीरो अपॉन एम, तो ये क्या, ये वाला पद कहाँ जाए, ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा एम जीरो अपॉन एम इक्वल टू 1 - b² अपॉन c² इसकी पावर 1/2। अब ये क्वेश्चन ने क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कण का वेग दिया हुआ है, यानी b बराबर दिया हुआ 0.6c दिया हुआ है, ये मान दिया हुआ है जो कण का हमारा क्या है वेग है। अब देखिए हमारे पास रिलेशन क्या है, एम जीरो अपॉन एम ब्रैकेट में 1 - b² अपॉन c² इसकी पावर 1/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बी का मान है, उस जगह क्या करें, इस मान को रख देंगे, यानी एम जीरो अपॉन एम इक्वल टू 1 - यहाँ पर बी स्क्वायर का, वहां पे 0.6c इसका होल स्क्वायर कर दिया अपॉन c² और इसकी पावर क्या हो गई 1/2। यहाँ पर पावर क्या हो गई 1/2 हो गई। अब देखिए एम जीरो अपॉन एम जब 0.6c का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा 0.36। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर क्या लिखा, पहले काम क्या किया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 - 0.6² उसकी पावर 1/2। क्या हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी 1/2। जब पावर 1/2 हो जाएगी तो एम जीरो अपॉन एम इक्वल टू 1 - 0.6 है, 0.6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.36 और यहाँ पर क्या दो अंकों का दशमलव, यानी 0.36 हो जाएगा, उसकी पावर हो जाएगी 1/2। जबकि पावर 1/2 हो जाएगी, वन से इसको घटाएंगे, जब क्या करेंगे वन से इसको घटाते हैं तो इसका जो मान आता है वो आता है 0.64 इसकी पावर 1/2। 0.64 क्या है, 8 का स्क्वायर है, यानी क्या हो गया 0.8 का स्क्वायर, 2 से 1/2 की पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, और जब पावर कट जाएगी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 0.8, यानी m0 अपॉन m इक्वल टू 0.8। यहाँ पर अनुपात ज्ञात करना था, यहाँ पर क्या हुआ, रेस्ट मास और मास का अनुपात जो है वो 0.8 होगा। ठीक है, अगर हम इसको सही बटे लिखना चाहें तो ये हमारा 8/10 हो जाएगा, यानी ये बचेगा 4/5। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर रेस्ट मास और मास के बीच में अनुपात ज्ञात कर लिया, यानी हमारा जो है पहला न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम थी वो हमारी क्या होगी, सॉल्व हो गई।
इसी सीरीज में हम दूसरे न्यूमेरिकल की बात करते हैं जो कि हमारा क्या है, सिद्ध कीजिए कि विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अंतर्गत, यानी कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंतर्गत ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर अचर रहता है, यानी कि इनवेरिएंट होता है। क्या सिद्ध करना है कि जो ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है ये इनवेरिएंट रहता है किसके अंतर्गत, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंतर्गत। अब देखिए इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या करेंगे, जब सॉल्व करेंगे फिर हम यहाँ पर वही बात कहेंगे कि हमारे क्या है, हमने पहले कहा कि जो हमारी थ्योरी है ये इनर्शियल फ्रेम पर आधारित है, और यहाँ पर भी क्या हुआ, दो फ्रेम लिए गए हैं। एक हमारा कैसा है, रेस्ट फ्रेम है, इसको कि एस कहा गया है। दूसरा हमारा कैसा है, एस डैश फ्रेम है, जो एस फ्रेम के सापेक्ष बी वेग से गतिशील है, और बी वेग कैसा है, कॉन्स्टेंट वेग है, नियत वेग से गतिशील है। अब देखिए जो हमारे फ्रेम है उनका एक रेस्ट फ्रेम है, एक हमारा कैसा है, जो यूनिफॉर्म मोशन का है। जब यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो इस अवस्था में यहां पर देखिए ई से क्या है, इनर्जी, और पी से क्या है, संवेग, यानी ऊर्जा और संवेग भी इसी के साथ क्या होंगे, परिवर्तित होंगे। माना फ्रेम एस में कण की ऊर्जा ई व संवेग पी, देखिए यहां पर क्या मान लिया, जो हमारा रेस्ट फ्रेम है, जो रुका हुआ फ्रेम है, उसमें ऊर्जा ई और संवेग हमारा कैसा है, पी है। इसी प्रकार एस डैश में ऊर्जा ई डैश व संवेग पी डैश होगा। देखिए यहाँ पर जो एस डैश फ्रेम है कैसा है, कांस्टेंट वेग से गतिशील है, और यहाँ पर जो हमारा ऊर्जा है वो ई डैश है और संवेग क्या है, पी डैश। जैसे हमने एस में डैश लगाया अच्छे से यहाँ पर भी डैश लगाया। अब देखिए पी स्क्वायर, जो पी स्क्वायर होता है वो क्या होता है, पी एक्स स्क्वायर, पी वाई स्क्वायर, पी जेड स्क्वायर, ये हमारा एस फ्रेम पर लिया गया है। अगर यहाँ पर P होता तो आई पी एक्स प्लस जे पी वाई प्लस ए पी जेड होता, लेकिन यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, जब P डॉट P करेंगे तो P स्क्वायर बनेगा, और यहाँ हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही एस डैश फ्रेम पर निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पी डैश स्क्वायर, पी एक्स डैश स्क्वायर, पी वाई डैश स्क्वायर प्लस पी जेड डैश स्क्वायर, यानी क्या हुआ, ये एस फ्रेम पर लिया गया है और ये इस फ्रेम पर लिया गया, एस डैश फ्रेम पर लिया गया है। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें ई डैश, देखिए ई डैश का मान लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत बताया गया था, इसी में इनर्जी और मोमेंटम का एक संबंध और भी है, ई डैश बराबर ई माइनस बी पी एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसके अलावा पी एक्स डैश पी एक्स माइनस बी ई अपॉन सी स्क्वायर अपॉन वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर एक बटा, इन दोनों रिलेशन में चीज देखिए कि ई में एक्स नहीं है, एक्स इसमें सफिक्स में लगा हुआ, पी में लगा हुआ है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखने वाली बात है कि ई में एक्स सफिक्स में नहीं लगाना, देखिए जो भी कण है वो एक्स फ्रेम पर गतिशील है, एक्स दिशा में गतिमान है, इसलिए पी वाई डैश का मान पी वाई होगा और पी जेड डैश का मान पी जेड होगा, ठीक है। हमें करना क्या है, जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो क्या है, ई डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस पी डैश स्क्वायर, देखिए हमें क्या करना है, इसको इनवेरिएंट प्रूव करना है। हमने क्या किया, एस डैश फ्रेम पर इसको लिया है, एस डैश फ्रेम से लेंगे और क्या करें, इसको उसके बराबर कर देंगे, यानी क्या हो गया, ये हमारा इनवेरिएंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ई डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस पी डैश स्क्वायर, अगर हम ई का मान रखें ई डैश का, ई माइनस बी पी एक्स अपॉन इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है अपॉन सी स्क्वायर और वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसकी पावर एक बटा दो, स्क्वायर करेंगे तो पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, माइनस पी डैश स्क्वायर। हमने पहले बताया पी डैश स्क्वायर का मान क्या है, जो हमारा पी डैश स्क्वायर है, पी एक्स डैश स्क्वायर, पी वाई डैश स्क्वायर और पी जेड डैश स्क्वायर, ये हमारा है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर पी एक्स डैश है, उस जगह मिले पी एक्स माइनस बी ई अपॉन सी स्क्वायर इसकी पावर टू अपॉन वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसकी पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी। इसके अलावा देखिए जो हमारे पास पी वाई डैश
ये हमारा पी वाई के बराबर है और पी जेड डैश जो है वो पी जेड द्वारा यानी माइनस का पी वाई स्क्वायर माइनस पी जेड स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पर इन मानों को रख दिया। अब देखिए इसमें क्या है, ये तो इनके अपॉन में कुछ भी नहीं है, हमने क्या किया इन दोनों में सी स्क्वायर वन माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन ले लिया। क्या क्या कॉमन ले लिया, जब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा ई माइनस बी पी एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर सी स्क्वायर कॉमन लिया सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई सी स्क्वायर डिवाइड किया गया तो ऊपर एक सी स्क्वायर और आ जाएगा और ये हो जाएगा सी स्क्वायर पी एक्स माइनस बी ई अपॉन सी स्क्वायर की पावर टू ब्रैकेट बंद करें माइनस पी एक्स पी वाई स्क्वायर माइनस पी एक्स स्क्वायर। हमने यहाँ पर मान रख के कॉमन लिया और कॉमन अब करना क्या है यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है और यहाँ पर भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जब दोनों होल स्क्वायर का उपयोग करेंगे तो यहाँ पर ए थी जो आएगी वो क्या आएगी यहाँ पर जब ये तुम्हारा हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर माइनस टू ई पी एक्स, वही चीज यहाँ पर आएगी माइनस टू ई पी एक्स सी स्क्वायर से सी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा जो टू टाइम्स वाला पद है वो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ वन अपॉन देखिए यहाँ पर जब सी स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो सी स्क्वायर कट जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, यहाँ पर क्या हुआ सी स्क्वायर यहाँ पर जो है कट जाएगा और बचेगा क्या ब्रैकेट में सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके अलावा देखिए जो हमारे पास पद है ई स्क्वायर वाले पदों को एक साथ कर देंगे और पी के पदों को एक साथ कर देंगे यानी ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ई स्क्वायर और बी स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर, इन पदों को यानी पी एक्स के पद और ई के पद अलग अलग रीअरेंज कर माइनस पी वाई स्क्वायर माइनस पी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी में वन अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन दोनों में कॉमन नहीं, क्या कॉमन आएगा इन दोनों में कॉमन है ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे इसमें जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस पी वाई स्क्वायर माइनस पी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पर ये हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों में कॉमन है यानी क्या हो जाए इससे ये कट जाए बचे क्या ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस पी वाई स्क्वायर पहले से दिया हुआ था और माइनस पी जेड स्क्वायर यानी क्या किया हमने इन पदों को रख दिया। सबसे पहले बताया है कि पी एक्स स्क्वायर किसके बराबर है पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, यहाँ पर क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारा प्लस में आ जाएगा कि माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पर क्या होगा और ये पूरा जो मान है वो किसके बराबर है पी स्क्वायर यानी ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्राप्त करेगा जो कि हमको चाहिए था यानी कि यस डैश प्रेम से मान निकाला और यस प्रेम पर जो मान है वो दोनों मान कैसे हो गए आपस में बराबर हो गए। इस प्रकार से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंतर्गत ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर जो मान है वो कैसा रहता है इनवेरिएंट रहता है। इस प्रकार से हमने दो न्यूमेरिकल बताए जो बड़े महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें इससे कि परीक्षा में गलत ना हो पाए। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।